सामनी, हमने आपके परिचय में कहा जो कि उप शास्त्रीय गायन से जो आपका रिश्ता है और जिस तरीके से आप, जिस खूबसूरती से आप इन कलाओं को भी पेश करती हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीजें, कोई ठुमरी, कोई कजरी, कोई चैती, कोई दादरा, जो दो दो तीन तीन चार चार लाइन आप हमारे लिए गुनगुनाना चाहें। एक उप शास्त्रीय दादरा है जो मेरी रचना है। श्याम सुरतिया मन में बसी है, श्याम सुरतिया नील गगन जैसी मूरतिया मन में बसी है, हो मन में बसी श्याम सुरतिया मन में बसी है। मेरे पिताजी की रचना है, बहुत सुंदर है और वैसे भी माहौल इतना बढ़िया है, खुशनुमा है, तो उसी को मन में रखते हुए आपके सामने एक ये रचना है। ऋतु सावन परत पुहार रे, ऋतु सावन परत पुहार रे, ऋतु सावन परत पुहार संग साजन आई बहार, संग साजन आई बहार, ऋतु सावन परत पुहार रे, ऋतु सावन परत पुहार। एक सावनी है जो मेरे पिताजी की रचना है। सावनी, अब मेरी रिक्वेस्ट उस बंदिश की है जो मुझे बहुत पसंद है आपकी गाई हुई, राग मारू विहाग, जाओ सजना मैं ना ही बोलूं। मुझे बहुत आनंद है ये आपकी फरमाइश पूरी करने में। ये मेरी स्वरचित बंदिश है राग मारू बिहार की। सा ग म प ग म ग रे सा, ग म प नी सा ग प म प ग म प म सा प म प ग म प ग म सारे सागर पनि सागर सा निमा नि सा ग म प ग म पनि जाओ सजना मैं ना ही बोलू, जाओ सजना मैं नहीं बोलूं, भैया तू मोरी छोड़ छोड़ जाओ सजना, मैं नहीं बोलूं जाओ सजना, मैं नहीं बोलूं भैया तू मोरी छोड़ छोड़ जाओ जाओ सजना, जाओ सजना, जाओ सजना, जाओ सजना। सामनी, आपने मराठी फिल्मों में बहुत गाया है, तो एक तो प्लेबैक सिंगिंग जो है फिल्मों की, उस पर आप किस तरीके से, उसको किस नजरिए से देखती हैं, और उस करियर के उस आयाम पर अगर बात की जाए तो उसको अभी और एक्सप्लोर करने का कितना इरादा है, अभी कितना ज्यादा
प्लेबैक सिंगिंग को आप गंभीरता से ले रही हैं। जी, प्लेबैक सिंगिंग तो बिल्कुल अलग फील्ड है और मेरा फील्ड तो बिल्कुल क्लासिकल संगीत है, शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत। तो मुझे लगता है कि हर एक कलाकार को अपना दायरा समझ के उस दायरे में रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सब कुछ करना चाहते एक ही जिंदगी में, एक ही जन्म में, तो किसी भी फील्ड पे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। इसलिए अगर मेरी बात करूँ तो चलते चलते मुझे जो भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली फिल्म संगीत की, तो जो मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगा कि मेरे गाने से उसका कुछ नाता है, ताल्लुक़ है, तो उसी को मैं एक्सेप्ट करते गई। वही ऑफर्स मैंने एक्सेप्ट किए और उसी में मैंने गाया, और उसके लिए मुझे स्टेट अवार्ड भी मिला, जो एक ठुमरी थी जो मैंने एक फिल्म के लिए गाई। क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक का स्वभाव होता है, एक मानसिकता होती है आपकी, एक बैठक होती है, जो मेरी शास्त्रीय संगीत की है, उपशास्त्रीय संगीत की है। उसमें ऑफ कोर्स भक्ति संगीत भी है, लेकिन मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ फिल्म संगीत की, लेकिन करियर वाइज अगर मैंने चुना है तो वो शास्त्रीय संगीत को ही चुना है। इसलिए मेरी महफिलों में शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और भजन ये आपको सुनाई देंगे, लेकिन फिल्म संगीत नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वो अलग एक फील्ड है, उसके लिए अलग सोच है, उसके लिए वॉइस प्रोडक्शन भी डिफरेंट होना चाहिए। और मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे गुरुओं ने भी मुझे ऐसा नहीं बड़ा किया है कि आप सब कुछ करो, यू नो, डू एवरीथिंग, ऐसा नहीं है। आप जानो आपका आत्मा कहाँ है, आप कहाँ खो जाते हो बिल्कुल। तो वैसे भी मैं लता जी, आशा जी, रफ़ी जी, किशोरदा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो गाने ज़रूर मैं घर पे गुनगुनाती हूँ, उसका अभ्यास भी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फील्ड्स इतने डिफरेंट होके भी एक दूसरे से मिले हैं। हमें फिल्म संगीत से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उसका एस्थेटिक सेंस जो है वो मैं अपने शास्त्रीय संगीत में भी इस्तेमाल करती हूँ। तो मुझे लगता है स्वर जैसे शाश्वत है, तो वो स्वर अगर बहुत सुरीला, बहुत सुंदर है, तो किसी भी गान प्रकार में आपके दिल को छू के ही जाएगा। लेकिन अगर करियर की बात करें तो मैं सिर्फ और सिर्फ शास्त्रीय संगीत गायिका ही हूँ, और चलते चलते जो थोड़े बहुत अगर वो म्यूज़िक डायरेक्टर को लगता है कि ये इनकी आवाज़ में बहुत अच्छा लगेगा, तो हाँ मैं हूँ। सामी, आपको 2018 का जो बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है उससे नवाजा गया, तो मेरा प्रश्न ये है कि जब इस तरह के पुरस्कार मिलते हैं तो इससे क्या दिशा मिलती है? क्या ये लगता है कि हाँ, जो समर्पण है या जो जो साधना चल रही है संगीत की, वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या ये पुरस्कार ये बताते हैं? जी, पुरस्कार तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, नो डाउट अबाउट इट। और मैं खुद को पुनः बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि हर पड़ाव पे, मेरी साधना के हर पड़ाव पे मुझे पुरस्कार प्राप्त हुए, चाहे वो पंडित जसराज गौरव पुरस्कार हो, या माणिक वर्मा मेमोरियल अवार्ड हो, या विश्व संगीत रत्न हो, और ख़ास करके संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। तो बहुत बहुत ये मेरी गुरुजनों की कृपा है, मेरे माता पिता की कृपा है कि मुझे इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शाबाशी के लिए बहुत अच्छा है, ये अपने आप में एक स्फूर्ति देने वाली चीज़ है कि अच्छा, ये पुरस्कार मिला है तो अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। तो इससे आगे बढ़ने की एक निश्चित स्वरूप से आपको दिशा मिल जाती है। लेकिन पुरस्कार मिले उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और फिर आगे चलते रहना चाहिए, मेरी मानसिकता है। ऐसा नहीं कि ये मिल गया बस अभी हो गया, तो ये नहीं, उल्टा मुझे लगता है कि पुरस्कार से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, सही दिशा पे जा रहे हो, इसका एक यू नो, इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, और आपकी जो संगीत साधना है वो चलती ही रहनी चाहिए, और पुरस्कार मिलने हैं तो मिलते जाएंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद ये सबसे अहम बात है।
सावनी, जैसा अभी आपने पिछले जवाब में बताया कि शास्त्रीय संगीत के प्रति जो आपका समर्पण है उसकी वजह से आप मंच से फिल्मी गाने नहीं गाती हैं, लेकिन फिल्मी गाने गुनगुनाती हैं, फिल्मी गायकों को आप एडमायर करती हैं। तो मैं आपसे फिल्मी गाने की गुजारिश नहीं करूंगा, लेकिन ये गुजारिश करूंगा कि लाइट म्यूजिक में कुछ भी जो आप अक्सर गुनगुनाती हो वो हमें सुनाइए। जी, फिल्मी गीत तो मैं नहीं गाती। मैं कहती हूँ जैसे कि मैं घर में गुनगुनाती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं आमतौर पे ऐसे नहीं गाती। और ये इंटरव्यू जो कि शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है, तो कई बार ना ऐसा हुआ है कि सिर्फ शास्त्रीय रचना करते करते कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत सुंदर सी ललित रचना भी आपको सूझ जाती है और दिमाग में आती है। तो ऐसे माध्यम से मैं वो गाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैं मेरी महफिलों में नहीं गाती। तो एक रचना है जो रिलीज होगी अभी, सावरिया हो सावरिया, तेरे बिना लगना मोरा जिया, सावरिया तेरे गिरा मोरा जिया सावरिया। ये मैंने खुद बनाई है, और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये सिर्फ पियानो और गिटार पर है। इसके पीछे तानपुरा नहीं है, तबला नहीं है, लेकिन ये सुंदर पियानो और गिटार से सजी हुई रचना है, और जल्द ही आप सब लोगों के खिदमत होगी। सावनी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका संगीत सफर यूं ही चलता रहे, आपके संगीत की खुशबू यूं ही फैलती रहे, यूं ही महकाती रहे दुनिया को और संगीत के प्रेमियों को। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।